गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड होप यू ऑल आर गुड। और आज मैं बहुत खुश हूँ, आप देख सकते हैं अभी तो मैंने बस सुबह उठी हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। कल रात मुझे काम करते करते ऑफिस का, यू कैन सी ये सब सूट गए हैं बेचारे। तो यस, तो कल बहुत देर तक काम हो गया, तो अभी 10 बज गया। उठते उठते हिमांशु जब गए ऑफिस को तब उन्होंने मुझे उठाया, और उसके बाद अभी मैंने जब अपना टचअप किया है बालों में कलर का, और जैसे कि कल है गणेश चतुर्थी तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो मुझे कल ना सपने में भी जब चीज़ें दिख रही थी कि मुझे ये करना है, ये काम करना है, तो आज मेरा पूरा दिन का काम है थोड़ा सा कुछ बनाना और थोड़ा सा डेकोरेशन करना, ये वाली चीज़ें, क्योंकि कल हमको पूरा का पूरा, हम लोग कल बिजी हैं, कल हमें बहुत काम होगा और कल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मुझे थोड़ा बहुत सामान भी था जो कि चलो मैं फटाफट ले आऊँगी, बट मेन काम है सजाना और थोड़ा सा स्वीट्स बनाना। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि शाम को मेरा ऑफिस भी हो जाएगा उसके बाद। और कल का है, कल सुबह के टाइम पे हमें गणेश जी लेके आना है, उसके बाद हमारा एक जो मेन काम है, मतलब मेन इन द सेंस जिसके लिए हम बहुत टाइम से रुके थे, वो वाला काम है। तो आज मैं पूरे व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ बनाते हुए, कुछ ना कुछ सजाते हुए थोड़ा बहुत दिखाऊंगी जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो यस, अभी ये सारा बाल बाल का काम हो गया है, बिकॉज यार यहाँ पे वाइट हेयर्स होने शुरू हो गए थे तो मैंने कलर कर लिया और बस हो गया। अभी कुछ शुरू नहीं, अभी मैं घर की पहले पूरी सफाई करती हूँ और उसके बाद आपको आराम से मिलती हूँ नहा धो के। हे गाइस, तो अब क्या किया मैंने अभी नहा धो के, मैं सबसे पहले मैं ज़्यादा कुछ तो व्लॉग नहीं कर पाई, बट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने गणेश जी का जो जहाँ पे स्थापना होगी मैंने उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है, जो भी सामान मेरे पास यहाँ पे मिला, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन वाले मिलते नहीं है और हमको आइडिया भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जितना भी अपार्टमेंट्स में मैंने देखा ना, लोग खुद ही मतलब करते हैं और इतना ज़्यादा जैसे बाहर होता, मतलब बाहर जैसे कोई अच्छा डेकोरेटर बुला लिए तो कर ले, तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ स्पेशियस भी नहीं है और इतना ज़्यादा मतलब मुझे लगा भी नहीं कि मैं उनको बुलाऊँ। तो मैंने खुद ही थोड़ा बहुत जो जो मेरे पास था वो आइटम्स मैंने सब कुछ कर दिया है। आई डोंट नो आप लोग को कैसा लगेगा, बट मैंने अपने साइड से मुझे पूरा एक घंटा लग गया है, मैंने नहा के सबसे पहले यही वाला काम करा, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और लेट लेट में फिर क्या होगा कि हमारे काम जो और हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो कल मुझे वैसे ही मार्केट जाके थोड़ा बहुत सामान लेने आना था और सुबह फिर वैसे ही मेरी आज शाम को जॉब होगी, फिर सुबह मैं देर में उठूंगी, तो मैं ट्राई करूंगी मैं कल जल्दी उठ जाऊँ और जो भी हमारा काम है फटाफट हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे लाइटनिंग टीवी की लाइट में आपको दिख रहा होगा, वो लाइट वहाँ पर मैंने लगाई है। तो चलिए, ये चीज़ें हैं, ये ऐसे मैंने करके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर का मेरे पास दुपट्टा था तो मैंने इसको यहाँ पे बिछा दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऐसे एक और मेरे पास डबल चुन्नी थी जो कि बहुत बड़ी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे शेप करके दे दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाइट्स एंड ऑल ऐसे करके लगा दी है, तो कि थोड़ा सा जब आप लाइट बंद करोगे शाम के टाइम पर तो वो अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो मैं लेके आई थी ये ऑलरेडी मुझे पुराने मेरे पास पिछले दिवाली के मिल गए थे, ये नया वाला है जो हम लेके थे, तो एक और एक्स्ट्रा बच गया है, तो चलो वो कहीं पे काम आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने इसको पूरा अपना मंडप ही कह सकते हैं, जो भी मतलब स्थापना का है गणेश जी का, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मेरे पास ना स्पेस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं गणेश जी को रखूंगी तो यहाँ पे मेरे पास और फ्रूट्स और जितने भी सामान हम यहाँ पे उनको चढ़ाएंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज, तो कैसा लगा आप लोगों को, आप प्लीज मुझे लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा आपको लगा है। तो अभी ये बहुत अच्छा लगेगा जब यहाँ पे ऑलरेडी गणेश जी आ जाएंगे तो और ज़्यादा निखर के आएगा। सो यस, दिस वॉज व्हाट आई एम डूइंग। इसके बाद है दूसरी प्रिपरेशन, तो वहां आपको लेके चलती हूँ। गाइस, लेट जस्ट स्टार्ट विद मेकिंग लड्डूज। तो आज मैंने क्या सोचा है कि बाहर से सब लोग लड्डू लेके आते हैं, तो मैंने इस बार प्लान किया था, यार बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं लड्डू बनाऊंगी। ऑल दो गणेश जी के दिन गणेश जी को बेसिकली मोती चूर के लड्डू चढ़ते हैं, बट मैंने इस बार यहाँ पे मोती चूर मतलब जो होता है ना वो मिलता नहीं है मतलब इतना ईजी से, तो बाजार से लाने से अच्छा था मैंने थोड़ा घर से बनाते हैं, घर पे बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो मेरी अभी प्रिपरेशन शुरू होने जा रही है, सो हमने लंच वंच कर लिया है, सो नाउ आई एम गोइंग एंड प्रिपेयरिंग बेसन के लड्डू। तो अब मैं आपको दिखाते रहूंगी कैसे कैसे मैंने मेरे स्टाइल के बेसन के लड्डू कैसे बन रहे हैं। ऑल्दो ये मैंने कहीं से मतलब सारे यूट्यूब या जितने भी फूड चैनल हैं उसमें से नहीं देखा है, क्योंकि मैं पहले भी एक बार इससे पहले भी मैंने बनाए हैं, तो मुझे अपने हाथ के मतलब मैं जैसे बनाती हूँ मुझे वैसा पसंद है। तो चलिए आपको भी मैं थोड़ा थोड़ा अपने साथ दिखाते रहूंगी, और बहुत धूप आ रही है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो चलिए और देखिए आप भी कैसे मेरे साथ बेसन के लड्डू बनते हैं, फिर आप लोग भी ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि कैसे आपके कैसे बने। इस बेसन के लड्डू के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन, उसके बाद हमें चाहिए चीनी, और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा ऐसे काट दिया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों मैंने ऐसे करके काटा है। और बेसन यहाँ पे नॉर्मल वाला, वैसे लड्डू के लिए मोटा वाला बेसन होता है तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं नॉर्मल जो घर पे बेसन होता है वो वाले बेसन से शुरू कर रही हूँ। चीनी मैंने इतनी ली है, मे बी थोड़ा सा मुझे और ज्यादा लगेगी, बट अभी इसको मैं अच्छे से यहाँ पे
ग्राइंड कर लूंगी। तो क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें यहाँ पे चीनी का थोड़ा सा ना मतलब जो चीनी का बूरा हम बोलते हैं उसको यहाँ पे इसका अच्छे से थोड़ा सा पीसना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और प्लस यहाँ पे घी का जो है देसी घी आपको यहाँ पे लगेगा। तो मैं इसमें अभी स्टार्टिंग में बस चार ये वाली चम्मच, मेरे पास नॉर्मल साइज की चम्मच है, चार मैं इसमें चम्मच घी डालूंगी और थोड़ा सा इसको पहले गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम रोस्ट करेंगे अपना बेसन। मेक श्योर होना चाहिए गाइस कि हमें जो गैस करनी है बहुत ही सिम में रखनी है, क्योंकि हमारा जो ये बेसन है वो पूरा जल जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे घी गर्म हो गया है, तो मैं हल्का हल्का इसमें बेसन डालूंगी ऐसे, और इसको हम अब रोस्ट करेंगे। तो अब हमारा जो मेन काम है ना, ये है रोस्टिंग का। तो आप जितने अच्छे से और जितनी देर तक का इसको रोस्ट करोगे, आपके जो बेसन के लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इसका जो अभी टाइम लिमिट है वो है 20 to 25 minutes। तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे इसको पहले अच्छे से बेसन को रोस्ट करना है। अगर आप इसको रोस्ट नहीं करोगे तो आपको ना बेसन की फिर स्मेल सी आएगी तो बेसन के लड्डू में, जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे हम बाजार में देखते ना हलवाई लोग बनाते, तो वैसे वाले आपको बेसन के लड्डू हम लोग घर पे बनाएंगे। तो बस, और अभी हमें घी की जो क्वांटिटी है, मैंने बस आपको बताया था कि नॉर्मल जो चम्मच है मैंने चार चम्मच डाली है। अभी हमें जो घी डालना है वो है इंस्टॉलमेंट में। तो अभी पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इसके जो लम्स इसमें बन रहे हैं इनको हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा चिपका देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से हमारा रोस्ट हो जाए। फिर हम इसमें घी एक एक चम्मच करके डालते रहेंगे। मेन काम आपका गाइज यही है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो आप देख सकते हैं मुझे पसीना भी हो रहा है, गर्मी भी हो रही है, तो मुझे लगातार इसको चलाना है क्योंकि ये पूरा जल ना जाए। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तो और सारा सामान मैंने रेडी करके रख लिया है, और सामान ज़्यादा वैसे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, और ये बिल्कुल ही आधे घंटे और 40-45 minutes में आपको रेडी हो जाता है बेसन के लड्डू। तो ये सबसे ईजी वाला मुझे टास्क लगता है, तो और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगा चलो यार कोई नहीं, ये वाला घर पे एक दो मिठाई बाहर से ले आएंगे और ये वाले बेसन के लड्डू मैं घर पे बनाती हूँ। तो यस, आई एम एक्साइटेड कि इसका रिजल्ट लास्ट में क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बेसन चेंज हो गया जो मैंने पहले डाला था, और अभी का बेसन मतलब इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहा है, स्मेल तो मैं आपको लाजवाब वाली, मतलब वाह यार अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी खुशबू है। गाइस मैंने यहाँ पे दो चम्मच घी और डाल दिया क्योंकि मेरा बेसन ऑलमोस्ट जो है अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब मुझे घी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कितना मस्त हो गया है। तो अब इसी को मैं जो है पूरा अच्छे से रोस्ट करूँगी, और थोड़ा सा जो ये सूख जाएगा ना तो इसको मैं फिर बंद करूँगी। तो घी हो गया है मेरा, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, बट अब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप देखना थोड़ी देर में। तो मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है ऊपर से, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। और अब मैं साथ साथ इसके क्या करना है मुझे, ये जो ड्राई फ्रूट मैंने काट के रखे थे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये सबसे एंड प्रोसीजर होगा इसका। तो ये है मेरे बेसन के लड्डू जो कि बन रहे हैं। सो दिस इज द टेक्सचर, आपको इतना रखना है, और जितना घी डालोगे देखो उतना स्वादिष्ट तो होगा ही होगा, है ना। तो अब मैं इसको आराम से थोड़ा सा रोस्ट और करूंगी, और फिर इसको मैं 5 to 10 minutes के लिए ठंडा होने दूंगी। गाइस हमारा मिक्सचर आप देख सकते हैं बेसन के लड्डू का रेडी हो गया है। मैंने गैसेस को उतार दिया है, और आपको एक काम करना है, इसको जो चीनी है इसको अभी नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा बेसन है वो गर्म है, तो चीनी मेल्ट हो जाके और ज्यादा गीले गीले से हो जाएंगे, फिर दबा देंगे नहीं अच्छे से। तो आपको क्या करना है, अभी इसको 5 to 10 minutes तक का इतना ठंडे होने देना है कि आप इसको टच कर पाओ। तो मैं इसको 5 to 10 minutes छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं शुगर इसमें मिलाऊंगी, फिर मैं इसको बांटूंगी और गोल गोल इसके लड्डू बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा पंखे के नीचे खड़ जाती हूं, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा पता नहीं गर्मी कब जाएगी, बट किचन में काम करना इज नॉट एन इजी यार, बहुत ज़्यादा गर्म लगता है मुझे तो, बहुत ज़्यादा ही। तो बस मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, फिर आपको फिर मिलती हूँ। तो गाइस मेरा बेसन यहाँ पे हो गया ठंडा, आप देख सकते हैं मैं इस पर से टच कर पा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे मैंने बूरा लिया हुआ है चीनी का, तो इसको जितना मैं ना जितना यहाँ पे मैंने बेसन लिया है उतना मैंने यहाँ पे चीनी भी लिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने चीनी का बूरा इसमें पूरा अच्छे से मिला लिया है। तो आपको बहुत थोड़ा सा 2-4 मिनट तक का इसको ऐसी
आप नीचे नीचे देख सकते हैं चीनी, वरना इसमें पूरी अच्छे से मिलेगी नहीं। और मैंने इतना सा चीनी रख दी है क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी क्वांटिटी हो जाएगी मेरे अंदाजे से। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको घी इसमें कम लग रहा हो तो आप इसमें ऊपर से भी एड ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे बात के देखूंगी कि अगर मेरा घी कम है तो मैं इसमें घी और डालूंगी। तो आई डोंट थिंक सो द घी इज रिक्वायर्ड नाउ, इट्स इनफ। बट अगर थोड़ा सा मैं और डाल दूँ तो ये अच्छे से बन जाएंगे। सो दिस इज इट। मैं एक बार थोड़ा सा घी और डाल के देखती हूँ ताकि मेरे जो बेसन के लड्डू हैं वो और थोड़े से अच्छे से बाइंड हो जाए। सो गाइज नाउ इट्स टोटली डन। मैंने एक चम्मच घी और ऐड किया है और मेरे अब जो लड्डू हैं बहुत अच्छे से बाइंड हो गए हैं। तो यू कैन सी तो इसमें घी बहुत अच्छे से हो गए और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे काट के रखे, तो अब हम इसके ऊपर से अच्छे से इसको सजा देंगे। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ चार पांच लड्डू बना के बहुत अच्छे से। तो एक मेरा लड्डू यहाँ पे तैयार हो गया है, तो दूसरा लड्डू मैं आपको दिखाती हूँ कि इट्स वेरी इजी। मतलब आप आराम से इसको, मुझे पूरा जो लगा है अभी तक का मैंने टाइम देखा तो 50 मिनट्स मुझे हो गए हैं पूरा अपना जब से मैंने शुरुआत की है। तो एक घंटे में आप मान लीजिए आप पूरे अच्छे से बेसन के लड्डू प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको टाइट आप बाइंड कर लीजिए, बहुत अच्छा शेप इसमें आ जाएगा। मेन काम घी का है और जितना अच्छा बेसन आप इसको यू नो रोस्ट करोगे उतना अच्छा खुशबू और उतने अच्छे ये टेस्ट में बन के आते हैं। तो यस माय लड्डूज आर रेडी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं कब ये गणेश जी के सामने रखूंगी। गाइस माय लड्डूज आर रेडी। तो आप देख सकते हैं, अरे ये थोड़ा अलग सा लग रहा है ये वाला एलमंड, चलो कोई नहीं। बट ये लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं गाइस, खुशबू इनमें से इतनी टेस्टी आ रही है। मैं आपको डीप अगर इनको दिखाऊं तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और खा के मैं भी आपको बता नहीं सकती क्योंकि पहले भगवान जी को चढ़ने हैं। तो मेरे ये लड्डू जो हैं 12 ऐसे लड्डू मेरे बन गए हैं, तो ये मैं कल भगवान जी को चढ़ाऊंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी प्लीज़ इसको ट्राई करो, बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको लगेंगे, ट्रस्ट मी। मैंने पहले ही बना चुकी हूँ और इस बार ये सेकेंड टाइम जब मैं ये लड्डू बना रही हूं। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये कैसे लग रहे हैं और आप लोग इसको ट्राई करो और मुझे फिर बताओ। गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज थम्स अप यार, कम ऑन, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और आप प्लीज ये स्वीट जो मैंने बनाई है इसको बेसन के लड्डू को ट्राई करना और मुझे बताना। सो कल और बहुत अच्छा एक और ब्लॉग आने वाला है, से स्टे ट्यून्ड और वेट करो अच्छे से। बस मैं यही बोल सकती हूँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं चाहिए बस। सो गणपति बप्पा मोरिया एक बार बोल देते हैं, कल भी बोलेंगे, बस कल से 9 दिन तक का ऐसे ही रहना, बिजी रहना है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बाय बाय।